All right, so let's start. So today we will be discussing email marketing. But before proceeding ahead, I would like to ask for the participant who have joined us that how many of you have completed rest of the topic like Google Ads, Facebook, LinkedIn, SEO, WordPress. So आप में से ऑनलाइन वीडियोस जो हैं वो सबने कंप्लीट कर ली हैं या नहीं की हैं, आप चैट बॉक्स में इसका यस करके मुझे रिप्लाई करें. अगर नहीं किए हैं तो नो करें. यस प्लीज. ओके, सारी वीडियोस नहीं कंप्लीट की हैं. जितने भी पार्टिसिपेंट हमारे साथ ज्वाइंड हैं वो सब अपना रिप्लाई करें कि हमारी जो वीडियोस हैं ऑनलाइन, जितने भी टॉपिक्स हैं, गूगल एड्स है आपका, फेसबुक है, लिंक्डइन है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है, फंडामेंटल ऑफ डिजिटल मार्केटिंग है, वर्डप्रेस है, उसमें से जो वीडियोस हैं वो कंप्लीट कितनी हो गई हैं आपकी, कितनी पेंडिंग है कंप्लीट, मुझे यस या नो में रिप्लाई करें चैट बॉक्स पे प्लीज. हमारे पास अराउंड 13-14 पार्टिसिपेंट्स हैं अभी ज्वाइन. सो जितने भी स्टूडेंट हैं मेरी उनसे रिक्वेस्ट है आप प्लीज चैट बॉक्स में रिप्लाई करें. आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्सेस. ओके, अंजला अंजलि वर्मा इज सेइंग स्टार्टिंग डेज की हुई है. ओके, तो आपने बाद वाले डेज की भी कंप्लीट करनी है. शुभम सिंह इज सेइंग कि अभी वीडियोस नहीं हुई हैं. ओके, तो मतलब अभी सारी नहीं हुई है, कईयों की स्टार्टिंग की नहीं हुई है, कईयों की स्टार्टिंग की हो गई है, कईयों की नो हुई है. कोई ऐसा पार्टिसिपेंट हमारे पास है अभी जिनकी सारी वीडियो, जितने भी टॉपिक्स मैंने करवाए हैं उसमें से सारे टॉपिक्स अगर किसी के कंप्लीट हो गए हों. ओके, सबका नो है. ओके, तो आपकी वीडियोस अभी तक कंप्लीशन क्यों नहीं हुई है? लाइक मैं आपका रोज एक टॉपिक ले रही हूँ तो एक टॉपिक को कंप्लीट करवाने के बाद आपको हमेशा यही कहा है कि जितना भी आपका टॉपिक कवर किया जा रहा है ऑनलाइन वो वाले आपको सारे वीडियोस घर जाके कंप्लीट करने हैं. तो आपके मैंने 5-7-6 टॉपिक्स जितने भी हैं वो सबके ऑनलाइन सेशन ले लिए हैं. तो आपको ये जितने भी वीडियोस हैं वो आपको अपने ऑनलाइन कोर्स में कंप्लीट करने थे. ओके, आई थिंक 4 to 5 स्टूडेंट्स हैं जिनके मुझे रिस्पॉन्स है. अच्छा, अंजलि वर्मा इज सेइंग कि वर्डप्रेस समझ नहीं आ रहा है. ओके अंजलि वर्मा, आपको एक रिकॉर्डिंग सेंड कर देंगे, आप वो वाला रिकॉर्डिंग दोबारा से देख लेना वर्डप्रेस वाला. आपके जितने भी डाउट्स होंगे वो क्लियर हो जाएंगे. अगर फिर भी आपके डाउट्स नहीं क्लियर होते आपको आपका सिस्टम रिमोट पे लेके आपके डाउट्स क्लियर कर देंगे, वो भी हमारे पास अवेलेबल है. ओके ओके, मुस्कान बजाज. अच्छा, आपकी वीडियोस क्यों नहीं कंप्लीट हुए हैं अभी तक? लाइक 7-8 days हो गए हैं, आपके ऑनलाइन सेशन भी चल रहे हैं और आपको हर डेली यही बोला जाता है कि आप उनको कंप्लीट करें सेशंस को, तो क्यों नहीं हो रहे हैं आपके? मे आई नो द रीजन? शुभम इज ऑल्सो सेइंग नो. राजवंती नो. मे आई नो द रीजन वाई दी सेशंस आर नॉट, वीडियोज आर नॉट कम्प्लीटेड फ्रॉम योर एंड? कोई आपको इशू आ रहा है या कुछ भी है तो आप अपना बता सकते हैं चैट बॉक्स में.
आपको रिकॉर्डिंग का लिंक शेयर कर देंगे, तो जितने भी सेशंस अभी तक हुए हैं आप वहां जाके एक बारी दोबारा वॉच कर सकते हैं। बट उससे ज्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आपके पास जो ऑलरेडी एनरोल्ड, जिसमें आप एनरोल हो कोर्स में फ्यूचर स्किल्स प्राइम में, वहां पे जाके वीडियोस देखो, क्योंकि वो कंटेंट तो सेम है। यहाँ पे ये आपको बेनिफिट है इन क्लासेस का कि हम आपके जो डाउट्स हैं वो ले सकते हैं, कोई डाउट आपको बीच में आ रहा है उसको क्लियर कर सकते हैं। पर टॉपिक तो आपके सेम है, तो टॉपिक तो आप वहां जाके भी चेक कर सकते हैं, जो आपके ऑनलाइन फ्यूचर स्किल्स प्राइम पोर्टल पे आपका कोर्स पड़ा है, वहां पे आप जाके वीडियोस देखिए, क्विजेस अटेम्प्ट करिए, राइट। और पार्टिसिपेंट जिसने कंप्लीट नहीं किया है कोर्स, क्या रीजन है कि आपने अभी तक कंप्लीट नहीं किया? आई एम वेटिंग फॉर दी रिस्पॉन्सेज। वी हैव अराउंड 23-24 स्टूडेंट्स। आई वॉन्ट एवरी स्टूडेंट टू रिप्लाई इन द चैट बॉक्स। स्टेशन टाइम शॉर्ट, प्लीज इसको रिपीट करें। राजवंती ने क्या लिखा है? टाइम शॉर्ट स्टेशन, आई डोंट नो व्हाट इज इट। ओके, जब आप क्लास करा रहे थे तो मैं क्लास चल रही थी। ओके, नेक्स्ट वीक में हमारे इवनिंग बैच में भी क्लास लगेगी, आप तब भी अटेंड कर सकते हैं। जब नेक्स्ट वीक आएगा तब हमारा एक और बैच स्टार्ट होगा, वो इवनिंग में हम लेंगे, आप तब भी क्लास अटेंड कर सकते हैं। तो इसके साथ साथ आप ऑनलाइन वीडियो तो देख सकते हैं, वीडियोज भी देख के आपने कंप्लीट करनी है। ओके, सो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ईमेल मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग में क्या करते हैं हम? ईमेल मार्केटिंग में हम बल्क में ईमेल सेंड करते हैं कस्टमर्स को। कैसे करते हैं? जब भी, जैसे मैंने कोई बिजनेस ओपन किया है और मैंने बल्क में ईमेल सेंड करनी है, तो वो मैं करूंगी ईमेल मार्केटिंग सॉफ्टवेयर के थ्रू, ईमेल मार्केटिंग टूल्स की हेल्प से। तो ये मेरा ईमेल मार्केटिंग का एक सॉफ्टवेयर है, मेलचिम्प। मैं इसका आपको लिंक सेंड कर देती हूँ, आप इसको ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, गेट स्टार्टेड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इसका एक फ्री वाला प्लान है, ये वाला। यहाँ पे फ्री है, एसेंशियल है, स्टैंडर्ड है, प्रीमियम है। आपने इसका साइन अप फ्री वाला यूज करना है।
तो यहाँ पे आपके पास कोई बिजनेस ईमेल है तो आप वो एंटर करेंगे. फॉर एन एग्जाम्पल मैं यहाँ पे ये वाला ईमेल एंटर कर देती हूँ, FSP मोहाली. आपने यहाँ पे कोई बिजनेस ईमेल एंटर किया, यूजर नेम एंटर किया और पासवर्ड एंटर किया. एक सिक्योरिटी चेक यहाँ पे आएगा, आप उसको कंप्लीट करेंगे. देन क्लिक ऑन नेक्स्ट. अब एक और सिक्योरिटी चेक है आपके पास. नाउ कार्ड्स के लिए एक और सिक्योरिटी चेक है. अब जीमेल में जाएंगे. जीमेल पे आपका एक वेरिफिकेशन का आपको लिंक आया होगा, इसी जीमेल पे जाना है आपने, जो ये वाला ईमेल है. मैं यहाँ पे चेक करूंगी. इस पे क्लिक करके मेरा अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा. एक्टिवेट अकाउंट. अब मेरे को क्या करना है, अकाउंट सेटअप करना है अपना. तो मैंने कर दिया FSP मोहाली. बिजनेस का नेम मैंने कर दिया ई लर्निंग. लेट से कोई ई लर्निंग का मेरा बिजनेस है, ये मैं एग्जांपल ले रही हूँ यहाँ पे. आपका कोई भी जो बिजनेस होगा आप उसका नाम दे सकते हैं यहाँ पे. देन नेक्स्ट आता है आपका फोन नंबर, जो कि ऑप्शनल है, रेकमेंडेड है. जरूरी नहीं है कि आपको फोन नंबर ऐड करना ही करना है. आप इसको कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं. तो मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे एंटर कर दिया. नेक्स्ट. एड्रेस ऑप्शनल है आपके पास, राइट. आप इसको ये सेकेंड वाला ऑप्शनल है, नेक्स्ट कर दिया. सेव नहीं करूंगी मैं. सेव करने के बाद नेक्स्ट इट विल आस्क यू कि आप मेलचिम्प क्यों यूज करना चाहते हैं, मेलचिम्प को यूज करने के आपके गोल क्या हैं. तो हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के गोल्स होते हैं. जब भी हम कोई मार्केटिंग कैंपेन की बात करते हैं या फिर मेल्स हम बल्क में ईमेल्स भेजने की बात करते हैं अपने कस्टमर्स को, तो कोई ना कोई एक ऑब्जेक्टिव होता है हमारे माइंड में कि हमें अपने ईमेल सब्सक्राइबर बढ़ाने हैं, या फिर हमें लोगों तक अपनी बात पहुँचानी है, अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज का बताना है, या हमें सेल्स जनरेट करनी है, रेवेन्यू जनरेट करना है, कन्वर्जन्स करनी है. कोई भी आपका ऑब्जेक्टिव माइंड में हो सकता है उस पर्टिकुलर मार्केटिंग कैंपेन को करने से लेके. तो लेट्स से अगर मैं सिलेक्ट करती हूँ ड्राइव सेल्स, आप कोई भी सिलेक्ट कर लें, जो भी आपका गोल रहेगा, या आप इसको स्किप भी कर सकते हैं. तो मैंने नेक्स्ट कर दिया यहाँ पे. नेक्स्ट है आपका CRM सेलेक्ट करना है आपने, कोई फीचर यूज करने हैं ईमेल टेम्पलेट्स के, कुछ भी आप कर सकते हैं. जैसे मैंने पहले ही कर दिया था, फॉर्म वाला कर दिया था. AI जनरेटेड कंटेंट आप करें, इसमें से आप क्या करना चाहेंगे, आप इसको स्किप भी कर सकते हैं. जैसे मुझे अपने बिजनेस के लिए चाहिए कि मैं अपने बिजनेस में वी जस्ट स्किप इट. हमें अपने बिजनेस में CRM चाहिए, जनरेटेड कॉन्टेंट चाहिए, फॉर्म्स और लैंडिंग पेजेस भी चाहिए, ई मेल के टेम्प, आप SMS मार्केटिंग के लिए भी इसको यूज कर सकते हैं. क्लिक करें नेक्स्ट.
आपका कॉन्टेक्ट रेंज क्या रहेगा? 0 to 500। अभी आपसे डिफरेंट डिटेल्स सेलेक्ट करेंगे कि आपके पास वेबसाइट है, आप ऑनलाइन अवेलेबल हैं, आपके पास सोशल मीडिया है, तो आप इसमें कर दिए कि हाँ मेरे पास सोशल मीडिया है, मेरे पास वेबसाइट है, नेक्स्ट कर दिया। अगर आपके पास वेबसाइट का यूआरएल है तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। लेट्स से कि हो गया आपका। नेक्स्ट है, नेक्स्ट देन करेंगे। जस्ट अ मिनट, आई जस्ट मेड अ मिस्टेक हियर। हमें यहाँ पे जो है, यहाँ पे सिर्फ ईमेल मार्केटिंग और ये करना है सेलेक्ट, ठीक है? अगर हमें ये चाहिए एआई जनरेटेड कंटेंट और सीआरएम और एसएमएस मार्केटिंग, तो फिर हमें फ्री वाला प्लान नहीं मिलेगा, फिर हमें दूसरे वाला प्लान बाय करना पड़ेगा, राइट? जैसे मैं अगर प्लान की बात करूं तो जैसे ये वाला बता रहा है कि आपको इसमें मिलेगा सिर्फ ईमेल सपोर्ट, राइट? अगर आपने जो प्लान फीचर सेलेक्ट किए हैं उसमें आपको चाहिए ये वाला प्लान, बट मेरे को और चेंज करना पड़ेगा एक, क्योंकि ये वाला फ्री प्लान में ये अवेलेबल नहीं है। सो लेट्स गो अहेड विद दिस। तो प्रिपेयरिंग योर अकाउंट, तो अब हमारा अकाउंट सेटअप हो गया है, राइट? सो दिस इज द बेसिकली डैशबोर्ड ऑफ ईमेल मार्केटिंग टूल मेलचिम्प। सो ईमेल मार्केटिंग क्या होता है? जब हम बल्क में अपने कस्टमर्स को ईमेल करना चाहते हैं, उसके लिए हम कुछ टूल्स और सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं। हमारे पास कुछ टूल्स फ्री के अवेलेबल हैं, कुछ पेड वाले हैं। तो ईमेल चिम्प एक ऐसा टूल है, दिस मेल चिम्प। इस टूल को आप भी यूज कर सकते हैं, इसका लिंक मैंने शेयर कर दिया है। इसमें कुछ पेड फीचर्स हैं, कुछ फ्री वाले हैं, तो आप लोगों को जो यूज करने हैं वो फ्री वाले यूज करने हैं। तो फ्री वाले मैंने आपको बता दिए हैं जो यूज करने हैं। अब आप आएंगे यहाँ पे कैंपेन में, क्लिक करेंगे कैंपेन में, राइट? तो आप यहाँ करेंगे क्रिएट न्यू कैंपेन। क्रिएट न्यू कैंपेन के बाद आपको क्या क्रिएट करना है? रेगुलर ईमेल कैंपेन। तो मैंने डिजाइन ईमेल कर दिया। चार पांच चीजें इसमें आपको इम्पोर्टेंट है, वो ये है। प्लीज हैव अ लुक टू दिस। टू पार्ट फ्रॉम सब्जेक्ट, सेंड टाइम एंड कंटेंट। तो मतलब किसी भी ईमेल मार्केटिंग कैंपेन में यही चीजें हैं जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, जैसे कि आपने किसको ईमेल भेजनी है, जैसे किसको आपको मेज भेजनी है, आपको कंटेंट क्या चाहिए ईमेल में, सेंड कितने बजे करनी है, तो ये सब चीजें। लेट्स से मैं ऐड रिसिपिएंट पे क्लिक करती हूँ, तो अब आपको नेक्स्ट है। इंपोर्ट कॉन्टेक्ट्स, इंपोर्ट कॉन्टेक्ट्स के तीन तरीके हैं। आप कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं, आप कोई फाइल अपलोड कर सकते हैं, या आप कहीं दूसरे सर्विस प्रोवाइडर से अपने कॉन्टेक्ट ऑटोमेटिकली फेच कर सकते हैं। तो मेरे पास तो अभी कोई ईमेल का लिस्ट है नहीं, तो आप सिंपली अगर कॉपी पेस्ट करेंगे लेट से यहाँ पे, तो आपका फॉर्मेट ये होना चाहिए, पहले ईमेल एड्रेस, फर्स्ट नेम और उनका एड्रेस। तो अगर मैं कंटिन्यू करती हूँ, लेट से, ओह मैंने एंटर ही नहीं किया, बैक करें, ये वाला बैक नहीं करना है, आपने ये वाला बैक करना है। तो मैंने किया एड रिसिपिएंट, इंपोर्ट कॉन्टेक्ट्स, इंपोर्ट कॉन्टेक्ट्स में मैंने किया कॉपी एंड पेस्ट, कंटिन्यू। कॉपी एंड पेस्ट में मैंने जैसे कर दिया एक ठाकुर रचना 9, राइट? ये नेम हो गया। ये एड्रेस हो गया, राइट?
कंटिन्यू टू ऑर्गेनाइज। आप यहाँ पे कॉपी पेस्ट बहुत सारे कर सकते हैं, 100, 50, 70, 80, 120, अप टू 500 यू कैन ऐड हियर। आप यही चीज आप कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं, यही चीज आप अपनी CSV फाइल को इंपोर्ट कर सकते हैं या कोई एक्सेल फाइल को इंपोर्ट कर सकते हैं, राइट? आपको यहाँ पे ऑडियंस की लिस्ट बनानी है, तो मैंने कर दिया, ये मेरी ऑडियंस लिस्ट है ई लर्निंग वाली। तो एक ईमेल आईडी आ गई, ईमेल एड्रेस रचना एंड दिस, फाइनलाइज कर दिया आपने रिपोर्ट को, कंप्लीट कर दिया इंपोर्ट आपका। तो इसका मतलब ये कि आपके पास अभी एक ही कॉन्टेक्ट है जो मैंने एक ही ईमेल आईडी ऐड की है। आपके केस में यहाँ पे बहुत सारे हो सकते हैं। सो नेक्स्ट है, सो नेक्स्ट है रिटर्न टू कैंपेन क्रिएशन। तो फ्रॉम वाला सेक्शन हमारा डन है, जो ईमेल जाएगी हमारी इस ईमेल आईडी से जाएगी। ये वो वाली ईमेल आईडी है जिससे मैंने मेलचिम पे अपना अकाउंट क्रिएट किया है। टू में मैंने एक ईमेल आईडी अभी ऐड कर दिया। सब्जेक्ट ऐड करेंगे, सब्जेक्ट लाइन है ई लर्निंग कोर्सेज, राइट? प्रीव्यू में क्या टेक्स्ट दिखेगा? ई लर्निंग कोर्सेज। इसको सेव करेंगे। तो अभी हमारा टू वाला टिक हो गया है, फ्रॉम वाला टिक हो गया है, सब्जेक्ट वाला टिक हो गया है एंड सेंड टाइम का टिक हो गया है, राइट? सो नेक्स्ट है कंटेंट। तो डिजाइन ईमेल, ईमेल पे क्लिक करेंगे, डिजाइन ईमेल। अब ये वाला स्टेप सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अभी तक पहले किसी को डाउट है तो मैं वो क्लियर कर देती हूँ, फिर मैं इस स्टेप पे आऊंगी। जिसको डाउट है यहाँ तक, वो अपने डाउट चैट बॉक्स में लिख दें। यस प्लीज, जिस जिसको डाउट है पहले डाउट बताएं मुझे। देवी, आपको ना रिकॉर्डिंग शेयर कर देंगे हम, जो अभी तक का सेशन हुआ है, आप वो वाला सेशन रिकॉर्डिंग से चेक कर लें प्लीज। और बाकी ऑनलाइन आपका फिजिकल्स प्राइम में ईमेल मार्केटिंग का एक सेशन है, आप उसको वॉच कर लें, सेम कंटेंट आपको वहां भी मिल जाएगा।
रिकॉर्डेड सेशन आपको व्हाट्सएप पे लिंक शेयर कर देंगे, जो भी है, जो अभी वाला क्लास आपका चल रहा है इसका भी रिकॉर्डेड सेशन आपको सेंड कर देंगे, और बाकी जितने भी आपके जो ऑनलाइन सेशन हैं, जो फ्यूचर स्किल्स प्राइम पे आप एनरोल्ड हो, वो आपको अपनी ईमेल आईडी और पासवर्ड एंटर करके फ्यूचर स्किल्स प्राइम पोर्टल पे वहां पे मिल जाएंगे। यस, लेट मी शेयर द फ्यूचर स्किल्स प्राइम लिंक। सो दिस इज द लिंक। यू कैन डू वन थिंग, यू कैन क्लिक ऑन दिस लिंक, एंटर योर ईमेल आईडी पासवर्ड एंड यू विल बी रीडायरेक्टेड टू द रिकॉर्डेड वर्जन ऑफ दिस कोर्स, फंडामेंटल ऑफ डिजिटल मार्केटिंग यूजिंग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। यू कैन गो ओवर देयर, यू कैन गो अहेड ऑल द वीडियोज एंड कंप्लीट ऑल द वीडियोज, अटेम्प्ट क्विज़ेस, इन दिस वे योर कोर्स विल बी कंप्लीटेड। असाइनमेंट्स के लिए यू कैन डू वन थिंग, जो भी आपका असाइनमेंट्स का टॉपिक है उस टॉपिक पे आप, जैसे वर्डप्रेस का है तो वर्डप्रेस पे कोई ब्लॉग बना के उसके स्नैपशॉट लेके पीडीएफ फाइल बना के पीडीएफ फाइल को अपलोड कर सकते हैं। सेम फेसबुक का, अगर कोई आपका असाइनमेंट्स है मार्केटिंग कैंपेन का, तो फेसबुक के लिए भी आप सेम चीज कर सकते हैं। मार्केटिंग कैंपेन के लिए फेसबुक वाले केस के लिए तो आप सेम जो आपका है फेसबुक के मार्केटिंग कैंपेन बनाना है, तो उसके लिए भी आप सेम एक बार काम करिए, आप मार्केटिंग कैंपेन बनाइए, जो कैंपेन बन गया है उसके स्नैपशॉट लेके पीडीएफ फाइल बनाइए, पीडीएफ फाइल को फिर आप अपलोड करिए। सो यही प्रोसेस है सारी असाइनमेंट्स को सबमिट करने का। आपने सारे वीडियोज देखने हैं, सारी क्विजेज अटेम्प्ट करनी है, असाइनमेंट अटेम्प्ट करके अपलोड करनी है, सो दैट आपका कोर्स कंप्लीट हो जाए और हम आपको कोर्स कंप्लीशन लेटर दे पाए। जब आपका कोर्स कंप्लीट होगा तभी हम आपको कोर्स कंप्लीशन लेटर दे पाएंगे यहाँ से। कोर्स आपका है 90 आवर्स का, तो 90 आवर्स का कोर्स है, लेकिन आपका ये कंप्लीट हो जाएगा 4 to 5 days के अंदर अंदर। रीजन बीइंग आपके मैंने ऑलरेडी सेशंस ले लिए हैं, जितने भी सेशंस आपके लिए हैं टॉपिक वाइज वो ले लिए हैं, तो आपको इतना टाइम नहीं लगेगा।
और कोई किसी को डाउट है रिलेटेड टू कोर्स कंप्लीशन, असाइनमेंट्स, क्यूजेस, वीडियोस, वॉच, कोई लिंक, कोई भी चीज आपको नहीं पता चल रही है तो आप प्लीज अपने डाउट्स चैट बॉक्स में लिखें। हाउ टू अपलोड असाइनमेंट एंड ऑन विच ऐप। आपको असाइनमेंट अपलोड सेम फ्यूचर्स प्राइम पे करनी है और वहीं पे आपको अपने असाइनमेंट्स करने हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक लिंक बता देती हूँ, दिस इज द लिंक, इस पे लॉग इन करेंगे आप। तो ये वाला लिंक मैंने शेयर किया है, इस पे आप अपना जीमेल आईडी और पासवर्ड एंटर करेंगे, फिर आप फ्यूचर्स प्राइम के अपने कोर्स पे जाएंगे। कोर्स पे जाने के बाद वहाँ पे वीडियोस देखेंगे, वीडियोस देखने के बाद क्विजेस अटेम्प्ट करेंगे, क्विजेस अटेम्प्ट करने के बाद जो भी आपको असाइनमेंट्स अपलोड करने का ऑप्शन आएगा वहाँ पे असाइनमेंट अपलोड करेंगे, और ये सब करके ही आपका कोर्स कम्प्लीट होगा। ऑलराइट, सो कमिंग बैक टू आवर टॉपिक, तो हम थे आपके यहाँ पे ईमेल कैंपेन डिजाइन करने पे। तो अभी हम करेंगे ईमेल मार्केटिंग का कैंपेन, बट उससे पहले एक ब्रेक ले लेते हैं 10-12 मिनट्स का, देन फिर देखेंगे कैसे आप अपना डिजाइन करेंगे ईमेल मार्केटिंग कैंपेन। जो कंटेंट था मैंने आपको टू वाला सेक्शन बता दिया, फ्रॉम वाला बता दिया, सेंड वाला बता दिया, अभी रहता है हमारे पास कि डिजाइन कैसे करना है उसको, मार्केटिंग कैंपेन को। तो उससे पहले लेट्स हैव अ ब्रेक फॉर फ्यू मिनट्स, एंड आफ्टर ब्रेक हम स्टार्ट करेंगे हाउ टू डिजाइन कैंपेन फॉर कॉन्टेंट पार्ट।
So let's resume our topic. That is, let's say, let me share my screen first. So हम कहाँ थे? हम थे यहाँ पे जहाँ हमने ईमेल कंटेंट डिजाइन करना था. तो पहले आपका टू वाला सेक्शन हो गया, फ्रॉम वाला हो गया और सब्जेक्ट आपका हो गया. तो तीन सेक्शंस में आपको मैंने बता दिया है. अब है हमारा कि हम कैसे डिजाइन करेंगे ईमेल कैंपेन. तो ईमेल कैंपेन डिजाइन करने के लिए हमारे पास दो तीन तरीके होते हैं. या तो आप इसको सारा का सारा मैनुअली डिजाइन करो, और दूसरा है आपका कि आप इसमें कोई टेम्पलेट या थीम डिजाइन करें. फॉर एन इंस्टांस ये आपके पास है डिफरेंट टाइप्स ऑफ, लेट्स से ये है आपके पास डिफरेंट टाइप ऑफ असिस्टेंट्स. लेट्स से ये हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के जो हैं आपके पास मेल्स हैं. तो डिफरेंट टाइप्स के आपके पास जो ब्रोशर्स हैं आप इसमें से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं. जैसे मैं अभी यहाँ पे करूंगी दिस वन, तो मैं इसको अप्लाई पे क्लिक करूंगी. एंड नाउ लेट्स से ये वाला मैंने जो आपका टेम्पलेट है वो सिलेक्ट कर लिया है. टेम्पलेट सिलेक्ट करने से पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पे लोगो चेंज कर सकते हैं, आप इसका कंटेंट चेंज कर सकते हैं, आप यहाँ पे कोई इमेज इंसर्ट कर सकते हैं, यहाँ भी टेक्स्ट लिख सकते हैं, यहाँ कोई बटन ऐड कर सकते हैं, यहाँ भी डिफरेंट लोगोस. सो इसका ओवरऑल मीनिंग ये है कि आप ओवरऑल तरीके से कैसे अपने ओवरऑल तरीके से कैसे आप अपना, लेट्स से ये वाला लोगो है कोई, आप कैसे अपना जो है वो सिलेक्ट करेंगे. आप यहाँ पे टेक्स्ट ऐड करेंगे कोई, तो इसको आप चेंज कर लें. लेट्स से मैं यहाँ पे कर देती हूँ ई लर्निंग कोर्सेज इन सीडेक मोहाली. राइट, आप इस लोगो का साइज बड़ा भी कर सकते हैं, राइट, स्मॉल भी कर सकते हैं. तो मैं अभी क्या कर रही हूँ, मुझे अपने कस्टमर्स को ईमेल भेजनी है, बल्क में ईमेल भेजनी है, और उस बल्क में ईमेल भेजने के साथ मुझे उस ईमेल का कंटेंट डिजाइन करना पड़ेगा. तो मैं अब ये टेम्पलेट को चेंज कर रही हूँ और यही टेम्पलेट मैं सेंड करूंगी अपना. जैसे मैंने किया ई लर्निंग कोर्सेज सीटेक मोहाली, ये लोगो है, आप इसको जैसे लोगो है इसको भी चेंज कर सकते हैं. तो इसको भी आप चेंज करेंगे जैसे डिफरेंट 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 Courses in Angular. आप इस इमेज की जगह पे आप इसको इमेज को ब्राउज भी कर सकते हैं. ब्राउज करने के लिए आप फिर यहाँ से अपलोड करेंगे, अपलोड पे क्लिक करेंगे. जैसे कोई इमेज है, मैंने ये वाला ओपन कर दिया जो मैंने कल डाउनलोड किया था. तो आपका इमेज आ गया. तो आप इसमें करेंगे क्लिक मी, आप यहाँ पे डिफरेंट टाइप के लोगोज ऐड कर सकते हैं, आप इस कंटेंट को चेंज कर सकते हैं. तो आप इसको सेव करेंगे, सेव एंड एग्जिट. अब आप चेक करेंगे यहाँ पे, फॉर एन एग्जाम्पल टू है, फ्रॉम सेक्शन है, सब्जेक्ट है, सेंड टाइप है.
अब कंटेंट में आपके पास क्या नहीं है आप यहाँ चेक करेंगे. प्लेन टेक्स्ट आपके पास नहीं है. सेंड योर ईमेल, रिमूव और रिप्लेस प्लेस होल्डर टेक्स्ट, पहले इनको रिजॉल्व करना पड़ेगा आपको. फॉर एग्जाम्पल हमें प्लेस होल्डर्स डिलीट करने पड़ेंगे. तो प्लेस होल्डर्स हैं हमारे पास, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये वाला प्लेस होल्डर है, तो मैं इसको डिलीट कर देती हूँ. राइट, और कोई प्लेस होल्डर मेरे पास है, चेक कर लेते हैं. सेव एंड एग्जिट करेंगे. टू सेंड योर ईमेल, रिमूव और रिप्लेस द प्लेस होल्डर टेक्स्ट, तो ये वाला आप करेंगे. इनेबल सोशल कार्ड का बाद में देखते हैं, पहले ये वाला एडिट कर लेते हैं. Different courses in Angular. तो ये मैंने एक आपके पास डेमो क्रिएट कर लिया है. इस डेमो में क्या है, डिफरेंट कोर्सेज इन फ्यूचर स्किल्स प्राइम. मैं डीकैपिटल कर देती हूँ, इट डजंट लुक्स गुड. ठीक है, ये CTA बटन आ गया मेरा. ये डिफरेंट आपके पास आइकन्स आ गए, डिफरेंट लिंक्स हैं आपके. आप इनको डिलीट भी कर सकते हैं, जैसे मैंने अगर डिलीट करना है तो ये बारी डिलीट हो जाएगा यहाँ से. ठीक है, तो आप इसको सेव एंड एग्जिट करें. के बाद अब आप देखेंगे यहाँ पे सिर्फ दो चीजें हैं कि we will insert a footer in compliance with this. तो ये सिलेक्ट करने के बाद आपका सारा का सारा जो टेम्पलेट है वो ये बन गया. राइट पैनल में आप देखेंगे आपका जो ईमेल जाएगा वो इस फॉर्म में जाएगा, टेक्स्ट, देन आपका फोटो है, देन अगेन आपका टेक्स्ट है, फिर फोटो है, फिर देन अगेन टेक्स्ट है. तो ये सब जो है आपका ईमेल का टेम्पलेट बन गया है. और आपके केस में भी आपने ईमेल का टेम्पलेट इस तरीके से ही बनाना है जैसे अभी ये बना है. राइट, तो जब आपका ईमेल का टेम्पलेट बन जाएगा तो आप क्या करेंगे, आप इसको फिनिश लेटर भी कर सकते हैं, पर मैं फिनिश लेटर नहीं करूंगी, मैं सेंड पे क्लिक करूंगी. You can check your email is sending. अभी sending का process है, so हमें wait करना पड़ेगा ये, जब तक हमारा wait नहीं हो जाता ये complete. So it will take a few minutes to complete this process. और जैसे हमारा email send हो जाएगा, हम उसको check करेंगे अपना दूसरे जिस ईमेल पे हमने सेंड किया. तो मैंने अपना ईमेल यूज किया था एक, तो उसमें चेक करेंगे कि हमारा ईमेल आया है या नहीं आया है. तो जस्ट वेट फॉर अ मोमेंट, जब तक ये कंप्लीट हो जाएगा हम 2-3 मिनट वेट कर लेते हैं. तब तक आपके कोई डाउट है तो आप ग्रुप में शेयर करें. जो भी मैंने अभी आपको कंटेंट का पार्ट बताया है उसमें कोई डाउट है तो वो आप क्लियर करें, क्लिक करें यहाँ पे. एक डाउट है हमारे पास इस लिंक को टच करने के बाद, कुछ स्पेसिफिक नहीं खुलता जिस पर हम असाइनमेंट शेयर कर सकते थे. वहां तो बहुत सारे फॉलो ऑप्शन आते हैं, बस जो फॉलो ऑप्शन है वो आप 3 ऑप्शन सिलेक्ट करें, फिर आगे आगे क्लिक करें और अपना ईमेल आईडी यूज करें जिसमें आपने फ्यूचर स्किल्स प्राइम पे एनरोल किया है. फिर भी आपको कोई डाउट है तो जो आपको व्हाट्सएप का सपोर्ट नंबर हमने दिया है, एक शेयर किया व्हाट्सएप का सपोर्ट नंबर, आप उस सपोर्ट नंबर पे कॉल करके भी कंफर्म कर सकते हैं कि आपको जो स्पेसिफिक डाउट आ रहा है वो हम आपका सिस्टम रिमोट पे लेके डाउट रिजॉल्व करवा दें. ओके, नो डाउट, दैट्स कूल. बाकी के पार्टिसिपेंट्स, मुझे एक ही रिप्लाई मिला है, वो भी देवी जी ने दिया है. बाकी के रिप्लाई भी कर दें, मेरे को लगता है एक ही स्टूडेंट एक्टिव है हमारे पास. बाकी के स्टूडेंट्स आई डोंट नो, 28 अराउंड पार्टिसिपेंट हमारे पास, अंजलि, प्रीति, अनु, अरविंद, भारती, दिनेश,
जतिन हार्ट्रॉन, इस्माइल लैब, परमजीत कौर, महक सैनी, मुस्कान बजाज, नीरू, नीतू मलिक, निखिल शर्मा, निखिल सिंह, राजवंती, रिंपल. सो वेयर आर ऑल दीज पार्टिसिपेंट्स? वाई यू पीपल आर नॉट रिप्लाइंग? तमन्ना, त्रिशा, सुनीता, सुचेता. यस, अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट करें, अदरवाइज अगर नहीं है, नो डाउट, दैट्स इट. आपका इससे मुझे पता चल जाएगा ना, आप लोग अटेंटिवली लिसन कर रहे हैं. अगर आप सुन नहीं रहे हैं तो फिर ये वन ऑन वन का कोई सेशंस का कोई मतलब नहीं रह गया. फिर तो आप रिकॉर्डेड वाले सेशन है वही देख लो. तो जस्ट कुछ प्राइम पे जाओ, अपना जीमेल आईडी पासवर्ड एंटर करो, वहां जाके आप अपना सेशंस और सुन लो वहां पे जाके. फिर सेशन का कोई मतलब नहीं रह गया अगर आपको कोई डाउट है वो नहीं पूछ रहे हो आप तो. Yes, email ID and password would be the same for that you have enrolled on Future Skills Prime. Okay, no doubt. So let's come back. So so this is my this is still in the process, so I need to wait for few more seconds. So मैं तब तक क्या करूंगी, आपको बाकी के फीचर्स एक्सप्लोर करा देती हूँ. बैक टू ऑल कैंपेन पे जाएंगे. तो अभी आप चेक करेंगे मेरा ये वाला जो है, जो अभी मैंने एक मार्केटिंग कैंपेन बनाया था ई लर्निंग कोर्स का, वो सेंट हो गया है. तो मैं एक बार चेक कर लूँ इसको, कहाँ पे आया ये ईमेल. मैं इस पे चेक करती हूँ कि मुझे ईमेल रिसीव हुआ है या नहीं हुआ है. सोशल्स पे जाएंगे, अपडेट्स पे जाएंगे, फॉर्म्स पे जाएंगे, मोशंस पे जाएंगे, एंड देन अभी ईमेल नहीं आया है. सो थोड़ा और वेट कर लेते हैं. ओके, सो अभी नहीं आया है. सो वी कैन डू वन थिंग, वी कैन कम बैक, वी कैन कम बैक टू ईमेल चिम्प, राइट. तो अभी हम चेक करेंगे इसमें से जो ओपन रेट है वो 0% है, क्लिक्स जो है वो 0% है, राइट. तो रिपोर्ट चेक करते हैं. तो रिपोर्ट पे भी हमने जो ये भेजा है वो दो लोगों को भेजा है, दो ही एंट्रीज थी हमारे पास, टू रिसिपिएंट्स. तो अभी किसी ने ओपन नहीं किया है हमारा. तो आप ये सारा का सारा रिपोर्ट्स यहाँ पे एनालाइज कर सकते हैं, राइट. नेक्स्ट आप ऑडियंस का लिस्ट भी आप यहाँ बना सकते हैं, जो डिफरेंट टाइप्स की ऑडियंस आपके पास रहेगी उसका भी लिस्ट आप यहाँ चेक कर सकते हैं. एनालिटिक्स में जाके जितना भी डेटा आपने सेंड किया उसका एनालिटिक्स आपको यहाँ अवेलेबल हो जाएगा. ये मेरे सारे पुराने कैंपेन्स हैं, फॉर एग्जाम्पल
एक कैंपेन था, उसका 27% आपका रेट था, क्लिक रेट था, रिसिपेंट कितने थे 101. एक और कैंपेन था ये, इसमें से 18% ओपन रेट थी मेरी, 18% लोगों ने ओपन किया था. जैसे मैंने ये 117 लोगों को भेजा था ये वाला कैंपेन, उसमें से 41% लोगों ने इसको ओपन किया था, राइट. लोगों ने इसको ओपन किया था. नेक्स्ट इज लोगों को भेजा था, 50% लोगों ने ये वाला मार्केटिंग कैंपेन ओपन किया. तो यहाँ से आप एनालिटिक्स भी बहुत अच्छे से स्टडी कर सकते हो कि आपने एनालाइज कैसे करना है, राइट. नेक्स्ट आप यहाँ पे फॉर्म भी बना सकते हो. तो यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा आपको फॉर्म्स का, फॉर्म का ऑप्शन आपको नहीं आएगा क्योंकि हमने स्टार्टिंग में जब सेलेक्ट किया था तो फॉर्म को डीसेलेक्ट कर दिया था, तो उसके लिए आपको दोबारा सेलेक्ट करना पड़ेगा ये. तो मैं अभी उसको स्किप कर दी हूँ. चलो अभी आ जाते हैं वेबसाइट पे. जैसे आपने वर्डप्रेस पे वेबसाइट बनाई थी वैसी वेबसाइट आप यहाँ भी बना सकते हो मेलचिम्प में. कैसे? पर वो फ्री वाले वर्जन में आपको अवेलेबल नहीं है. अगर आपको जैसे वर्डप्रेस में आप फ्री में वेबसाइट बना सकते हो वैसी वेबसाइट आप मेलचिम्प में भी बना सकते हो, बट यहाँ पे ये वाला ऑप्शन जो है वो पेड वाला ऑप्शन है, वर्डप्रेस पे फ्री वाला है. तो यही डिफरेंस है. अब आते हैं आप इंटीग्रेशन के ऑप्शन को एक्सप्लोर करना चाहते हो कि आप क्या क्या चीजें ऐड कर सकते हो. यहाँ पे बहुत सारे आपके पास प्लगइन्स भी हैं, बट ये सारे पेड वाले ऑप्शंस हैं. तो पेड वाले आपने करने नहीं है, अभी आपने फ्री वाले ट्राई करने हैं, राइट. तो दैट्स ऑल अबाउट योर मेलचिम मार्केटिंग कैंपेन. मेलचिम के बाद एक छोटा सा टॉपिक आपका रहता है, वो है जनरेटिव एआई यूज. तो जनरेटिव एआई को आप यूज कर सकते हैं डिफरेंट तरीकों से. पहले यहाँ तक तो कोई डाउट है तो ठीक है, नहीं तो मैं आपको जनरेटिव एआई करा देती हूँ. चैट जीपीटी. चैट जीपीटी एक चैट बॉट है जो डेवलप किया है ओपन एआई ने और लॉन्च हुआ है नवंबर 2022 में. तो मतलब अभी एक साल प्लस हो गया इसको आए हुए. चैट जीपीटी की हेल्प आप कैसे कर सकते हो? चैट जीपीटी आप बहुत तरीकों से कर सकते हो. मैं इसको क्लिक करूंगी. Thank you.
मैंने अपना जो अकाउंट है वो लॉगिन कर लिया चैट जीपीटी में. तो चैट जीपीटी जो है वो एक जनरेटिव एआई का पार्ट है, लाइक हाउ जनरेटिव एआई कैन बी हेल्पफुल फॉर यू. आप कहाँ कहाँ इसको यूज कर सकते हैं. सो इफ आई विल टॉक अबाउट जनरेटिव एआई, सो जनरेटिव एआई कैन बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू. लेट्स से यू वांट टू राइट अ कंटेंट ऑन एनी टॉपिक. लेट्स से आई वांट टू राइट अ कंटेंट ऑन ई लर्निंग. लेट्स से ई लर्निंग कंटेंट, राइट. तो अगर मैंने ये वाला कीवर्ड यहाँ पे टाइप किया, लेट्स से आई एम टाइपिंग दिस कीवर्ड हियर ई लर्निंग कंटेंट एंड वांट टू सर्च सम ऑफ द कंटेंट रिलेटेड टू दिस ई लर्निंग कंटेंट, आई विल क्लिक ऑन दिस सेंड मैसेज. यू कैन हैव अ लुक कि मेरे पास कितना सारा डेटा कलेक्ट हो गया यहाँ पे. तो ये सारा डेटा जो है वो चैट जीपीटी खुद क्रिएट कर रहा है. तो ये आपके लिए भी हेल्पफुल हो सकता है. जैसे आपने कोई ईमेल लिखनी है किसी को, लेट्स से आपने ईमेल लिखनी है, राइट एंड ईमेल फॉर ई लर्निंग कोर्सेज, राइट. क्लिक किया तो अभी ये सर्च करेगा. जस्ट दिस इज इन द प्रोसेस. देखो इसने ईमेल लिख भी दिया. सब्जेक्ट आएगा, रिसीपेंट आएगा, आई होप दिस ईमेल फाइंड्स यू वेल. We are thrilled to introduce our comprehensive range of e-learning courses designed to empower this. Vibrant learning, you are ready to embark your e-learning journey. So these are the things like you can do with ChatGPT. Okay, ChatGPT का थोड़ा बहुत आइडिया आप लोगों को अगर पता चला है तो आप मुझे बताएं. अगर कोई है डाउट तो बताएं ChatGPT से रिलेटेड. मैम आप दूसरे कोर्सेज के ऑनलाइन सेशन कब से लोगे? आप यूजर इंटरफेस की बात कर रहे हो और आईओएस की? यूजर इंटरफेस और आईओएस का भी मैं कंफर्म कर दूंगी कब तक सेशन लेंगे हम. हाउ कैन कलेक्ट द डेटा? विच डेटा यू टॉकिंग अबाउट सौरभ? चैट जीपीटी और ईमेल मार्केटिंग का आपको कोई डाउट है तो आप बता दें. चैट जीपीटी में आपने जो सर्च करना है, आप कोई ईमेल सर्च करना चाहते हैं, कोई कंटेंट सर्च करना चाहते हैं, वो सब कर सकते हैं. चैट जीपीटी इज द पार्ट ऑफ जनरेटिव एआई. कल आपकी क्लास नहीं होगी. कल आप सारे के सारे अपना कोर्स कंप्लीट करके आएंगे. कल आपका मैं असेसमेंट का मॉक बताऊंगी कि असेसमेंट आपने कैसे अटेम्प्ट करनी है. कल जितने भी स्टूडेंट मेरे साथ अभी ज्वाइन हैं, अराउंड 30 स्टूडेंट, तो 30 के 30 स्टूडेंट अपना फ्यूचर स्किल्स प्राइम में जाके अपना एंटर करेंगे पासवर्ड और आईडी और वहां पे जाके अपना कोर्स कंप्लीट करेंगे. कल मैं आपकी क्लास फ्राइडे को सेम टाइम पे 11 o'clock की लूंगी, लेकिन उसमें मैं आपको ये बताऊंगी आपने असेसमेंट कैसे करनी है, मॉक कैसे देना है और फाइनल असेसमेंट कैसे करनी है, राइट. तो कल जितने भी हमारे पास पार्टिसिपेंट्स हैं, तमन्ना, निखिल, भारती, अंजलि, रिम्पल, सुचेता, राजवंती, शुभम, प्रिया, निखिल, नीतू, मुस्कान, करमजीत, दिनेश, देवी, भारती, सबके सब लोग जो हैं वो अपना कोर्स कंप्लीट करके आएंगे फ्यूचर स्किल्स प्राइम में. फ्यूचर स्किल्स प्राइम में जाने के बाद आपने अपनी ईमेल आईडी एंटर करनी है, पासवर्ड एंटर करना है और लर्निंग में जाना है. माई लर्निंग में जाएंगे और वहां पे आपको कोर्स दिख जाएगा अपना. अगर माई लर्निंग में भी नहीं जाना तो आप डायरेक्ट यही वाला लिंक यूज करना. फिर मैं आपको लिंक भी दे देती हूँ. आप ये इस लिंक पे चले जाओ डायरेक्ट, आपको माई लर्निंग पे भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. सो कल मैं आपको बताऊंगी कैसे कंप्लीट करना है आपने मॉक टेस्ट और कैसे देनी है अपनी फाइनल असेसमेंट, राइट. सो दैट्स ऑल. किसी को डाउट है तो पूछ ले, अदरवाइज आई एम गोइंग टू एंड दिस सेशन. नेक्स्ट क्लास कल आपकी असेसमेंट के लिए होगी. आपके बेनिफिट के लिए सारे ही कोर्स हैं. जो जो कोर्स आप करना चाहते हैं सब आपके बेनिफिट के लिए ही हैं.
एनी डाउट? नेक्स्ट क्लास टुमारो 11 फॉर रिलेटेड टू मॉक एंड असाइनमेंट्स. बाकी क्लासेस आपकी ओवर हो गई हैं इस बैच के लिए. बाकी आपने जो भी कंटेंट देखना है आप ऑनलाइन देखेंगे. कल आपकी मॉक असेसमेंट के लिए क्लास होगी. ओके, नो डाउट. सो दैट्स ऑल. थैंक यू सो मच एवरीवन. यू मे साइन ऑफ नाउ एंड सी यू टुमारो विद द मॉक एंड असाइनमेंट, फाइनल असाइनमेंट. तब तक आप अपना कोर्स कंप्लीट करके आएंगे. थैंक यू.